और मैंने सिर्फ जीवन में लड़ना सीखा परेशानियों से, समस्याओं से, चाहे जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हुआ उनसे लड़ना सीखा। कभी मैंने व्यक्तिगत सुख राजनीतिक सुख की परवाह नहीं की। जब मैं पिछली बार मीडिया के जब साथियों से बात कर रहा था तो मैं भावुक भी हो गया। भावुक इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ खोया है, और जब कोई कुछ खोता है तो उसको दर्द, उसको एहसास होता है। इस 5 साल में चाहे वो हाथरस का मामला हो, कौन अपनी बहनों को जिंदा जलते देखता है, वो भी कचरे की तरह, चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो आगरा के भाई अरुण वाल्मीकि का मामला हो कि पुलिस जो है पीट पीट के किसी को मार देती है। 30 दिन की जच्चा होने के बाद उस बहन को के कुंडल तक जो है नोच लेती है, उसको पीटती है। चाहे सबीरपुर का मामला हो, झुका तो मैं सरकार से तब भी नहीं जब मैं 16 महीने जेल में रहा, जब मैंने रासुका झेली। इसी महीने CINPR NRC का आंदोलन हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, और 16 तारीख की रात को मैं छूटा था। तो डरा तो मैं इस केंद्र की सरकार से भी नहीं, मेरा डर सिर्फ ये था कि अगर विपक्ष के बिखराव की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा लौटती है तो इसका खामियाजा मुझे नहीं, मेरे जैसे लाखों निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये मेरा डर था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पिछले 2 महीने के समय में चंद्रशेखर आजाद अपने एटीट्यूड ही खो बैठा है। उसे लगता है कि जो ट्विटर फेसबुक वाले नेता हैं, जो सिर्फ घर में बैठकर ट्वीट करते हैं, जो 5 साल कभी फील्ड में नहीं आते हैं, जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, उनको भी ऐसी राजनीति की जरूरत है। लेकिन मैं गलत था। मैं समझता हूं हमारी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सरकार से मोर्चा लिया और विपक्षी भूमिका अदा की। कोई मामला हो, किसानों का हो, कोई नेता हो किसी पार्टी का, चाहे आज वो विकल्प के रूप में हो, कुछ भी हो, किसी को आपने सड़क पर नहीं देखा होगा। चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के मैं गया अकेला, जान की परवाह न करते। चाहे वो पूरे देश में साइन बाग बनाने की बात हो, मैं अकेला व्यक्ति ऐसा था जो मुस्लिम भाई की लड़ाई में जब कोई छू भी नहीं रहा था तो मैं 27 दिन जेल में रहा और मैंने 250 लाठियां खाई। ये सारी चीजें संघर्ष की हैं, लेकिन कभी मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मैं आज भी समझौता नहीं करूंगा। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते, जो उन्होंने आज तक काम किया है उस काम के बलबूते, जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है, उन माओं के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे, और बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। और मैं एक युवा हूं, अगर आज मैं डर जाता हूं, स्थापित नेताओं के सामने घुटने टेक देता हूं, तो मैं समझता हूं कल कोई गरीब युवा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, वो हौसला नहीं कर पाएगा कि वो परिवर्तन के लिए लड़े और वो तमाम तरह की ताकतों के खिलाफ खड़ा होकर अपने देश के बारे में सोचे। आज सबको सिर्फ सत्ता से मतलब है, लेकिन हमारी लड़ाई कभी सत्ता की रही नहीं, हमारी लड़ाई तो सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की है। और आज जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो कितना खोखला है, बिना दलितों के बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हम ये समझते हैं क्योंकि पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति को समझ नहीं पाए क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीज़ें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। कुछ लोगों के लिए ये हंसी का विषय भी होगा कि भाई चंद्रशेखर को उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, किसी और ने बेवकूफ़ बना दिया। मैं समझता हूँ मेरे जैसे लाखों चंद्रशेखर इस देश में तमाम तरह की गुलामी बेबसी के शिकार, और वो परिवर्तन करना चाहते हैं, बस उनको अवसर की तलाश। तो आज मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता से और बहुजन समाज की माताओं बहनों बुजुर्गों और नौजवान साथियों से कहता हूँ कि हम युवा हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। एक लिस्ट जो है, क्योंकि इस तमाम तरह के छल में तैयारी करने का कम मौका मिला, मैं एक लिस्ट जो है जिनको प्रत्याशियों को हम लड़ाएंगे उनकी लिस्ट आपके सामने जारी कर रहा हूँ। उसके बाद चरणबद्ध जो है हम अपने कार्यकर्ताओं को साथियों के साथ लेके लिस्टेड बना के जो है अपने चुनाव में उतरेंगे। और मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से, ये वादा मेरा पूरे बहुजन समाज से है कि हम अपनी मेहनत से विकल्प बनेंगे और हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे, हम सहारे रहेंगे अपनी मेहनत के, और ना ही हम किसी स्थापित दल परिवारवाद की राजनीति वालों के आगे झुकेंगे।
ना हमने कभी झुकना सीखा, ना हम झुकेंगे। और मैंने इस बार भी मंत्री पद और विधानसभा विधायक के पद को ठोकर मारी है, क्योंकि मेरे लिए दलितों का स्वाभिमान सम्मान, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया, उनकी उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब जो आगे होगा, जैसे आप महाकाव्य में जानते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है, भाईचारा अपनी जगह है और राजनीतिक हिस्सेदारी अपनी जगह है। मैंने अपने नेता माने और साहब श्री काशीराम से सीखा है कि किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहिए। मंत्री बनाया था बहन जी ने, जेवर से जीते थे वो, उनको टिकट नहीं मिला आज भाजपा में? नहीं, ऐसा नहीं है। बीएसपी ने काफी मंत्री बनाए थे, आपको पता होगा, जब सरकार थी कई लोग मिनिस्टर थे और पूरा सम्मान बहन जी ने दिया। और वो गुजरों के गांव की भी हैं और वैसे भी गुजरों में ही हैं बहन जी, कहीं दूर से थोड़ी हैं, नोएडा की हैं। कहीं गलती हो गई क्या गुजरों से? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है। गुजर तो राष्ट्रवादी है, सभी को प्यार करता है। बीजेपी की लाइन पर जा रहे हो, राष्ट्रवादी वही कहते थे, सब राष्ट्र के लिए बीजेपी कर रही है। देखिए, बीजेपी कर रही है, वही कहते हैं राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। बीजेपी ने राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वही चेंज कर दी है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो देश में नागरिक हैं, सभी के लिए सोचना, ये राष्ट्रवाद है। खाली एक धर्म के लिए सोचना राष्ट्रवाद नहीं है। वो तो राष्ट्र के लिए सोचते हैं। अच्छा, वो राष्ट्र के लिए सोचते हैं। मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं है, सिख राष्ट्रवादी नहीं है। बताइए, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा वो किसके लिए सोच रहा है? देखिए, पाकिस्तान के जो जिंदाबाद नारे लगा रहा है वो गलत है, लेकिन पाकिस्तान में कोई गलत काम होता है और आप यहाँ पर आकर सब मुसलमानों को गाली दे, वो भी गलत है। उसी का तो विरोध करती है बीजेपी। बीजेपी उसका विरोध नहीं करती। मुसलमान रिश्तेदार भी है बीजेपी के पास है क्या? पाकिस्तान, गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, इनको एक तरफ हटा दो आप, फिर इनसे बात करो ना विकास की। आपको है गाय नहीं चाहिए? अरे गाय चाहिए तो यार, गाय तो हम रखते हैं। गाय नहीं तो गुजर नहीं, गुजर नहीं तो देश नहीं, हमारा नारा चला है। गाय तो हम पालने वाले लोग हैं, गुर्जर हैं, गौचर जैसे तो बोलते थे। गायों की सुरक्षा कर रही है, गलत क्या कर रही है बताइए? सुरक्षा नहीं कर रही, भूखी मर रही है गाय। सड़क पे जाके देखो कितनी गाय भूखी मर रही है, गाय के नाम पे पॉलिटिक्स है। वो किसको जीवन दे रहे हैं आज, पता है दुर्दशा क्या हो रही है? लाइन लगा के गाय मर रही है रोड के ऊपर। पाकिस्तान का नाम बार बार लेते हो, मरे मराए देश का। आप इनको ये पूछो, पाकिस्तान के लिए बात मत करो, आप विकास की बात करो। आप देश में कितने, आपने स्वास्थ्य में क्या किया, शिक्षा में क्या किया? गुजर तो बीजेपी को वोट देगा ना, क्यों देगा? राष्ट्रवाद के नाम पर। देखिए, सबकी अपनी बात है। मैं तो ये कहता हूँ, जो पार्टी देश को तोड़ने का काम करे, नफरत का काम करे, जो देश में एक झगड़ा फैलाए, उसको सांप्रदायिक पार्टी को हटाओ। बीएसपी से बिलोंग करते हैं, बीएसपी की जो विचारधारा है, संविधान की है, कानून की है, दलितों की, पिछड़ों की, सभी की समानता की है, इस पे तो वोट मिलता नहीं है हिंदू मुस्लिम को, वोट मिल रहा है। बस बाकी तो समता मूलक है, समता मूलक समाज चाहते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारा नारा है बहन जी का। हम सभी का सुख चाहते हैं, हम किसी का दुख नहीं चाहते। गुजरों का बीएसपी सरकार में हुआ था? अरे सब पूरा उत्थान हुआ, कौन मना कर रहा है? बीएसपी भटक क्यों गए गुजर पे? भटके नहीं है भाई, भटके नहीं है, भटके नहीं है। जो एक बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है पूंजीपतियों की, उसको रोकने के लिए दांव पेच चला रहे हैं, उसको रोकना होगा।